पर फिलहाल हो चुकी है हमारी कैंची धाम का डे टू और मैं उठ चुका हूँ। 7:30 के अराउंड हमारी आरती थी, सो मैं 6:30 के अराउंड उठ गया था। और आपका दूसरा ट्रिप वेदर अभी उठा, अभी वॉशरूम गया है। हाँ भाई, गर्म पानी आ रहा, आवाज ना आ रही। कोई बात नहीं, ट्रिपर्स हमारे गले ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, सो अभी मैं उठता हूँ और एक आपको एक व्यू देता हूँ, रफ व्यू। ऐसा था हमारा डाउनग्रेड वाला रूम। क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है वॉशरूम से, कुछ कह रहा है? हेलो बिरादर, यू शुड टेक कोल्ड वाटर शावर। यस बिरादर, यस। एनीवेज, ये था हमारा, जल्दी खोलो यार। 3 days later. ओके, सो ऐसा कुछ है बाहर का नज़ारा जो मैंने आपको कल दिखाया था कि इस वाले पेड़ पे किन्नू लटक रहे हैं, इस वाले पे नींबू। सो ये है हमारा डाउनग्रेड होने वाला रूम जो कि इधर से ऐसे एंटर होता है। एंड इसमें 3 chairs हैं जहाँ पे ये शर्ट मेरी साफ है, ये शर्ट गंदी है, ये शर्ट मैंने कल पहनी थी, और ये हम दोनों के बैग्स वैग्स रखे हुए हैं। ये हम लोग का डबल बेड है जो कि ओके सा है, अच्छा है। ये इसके शूज़ पड़े हैं, मेरे शूज़ पड़े हैं। एंड आपका ट्रिप ब्रदर क्षितिज यहाँ धो के ऑल फ्रेश एंड रेडी हो चुका है, जस्ट वेटिंग कि ये जल्दी से आए एंड हम निकले। उसके बाद हमें ये रूम भी चेकआउट करना है। बाहर है कुछ ऐसा ऐसा नज़ारा जो कि है जंगल। तो ट्रिपर्स हो चुकी है शुरुआत। क्या शुरुआत हमारी ट्रिप की? क्या शुरुआत ऐसे बोलेगा, ट्रिपर्स को हो चुकी है शुरुआत ट्रिप का। अबे साले, तभी मैंने शुरुआत हो चुकी है शुरुआत। ऐसे तो नहीं होता है। हम जा रहे हैं ऊपर की साइड अपनी स्कूटी निकालने के लिए। जल्दी से मंदिर उसको दर्शन करने के लिए। ऐसे कुछ मैंने कपड़े पहन रखे हैं नहा धो के, मैंने पहने नहा धो के अच्छे कपड़े। और ये पकड़ फोन, दिख रहे हैं क्या, है ना। सो ट्रिपर्स इसने मुझे बिना बताया सुबह सुबह इंट्रो कर ली। बहुत कुत्ता आदमी है। कोई बात नहीं, मुझसे भी इंट्रो ले लो। अब ये चलाएगा स्कूटी। हम जा रहे हैं दोबारा से बाबा जी के दर्शन करने उधर अपना कैची धाम और हनुमान मंदिर। yes. और वहाँ पे करेंगे दर्शन। लेट्स गो एंड टेक सम आशीर्वाद एंड टेक सम ब्लेसिंग्स। सो ट्रिपर, इससे पहले आपने मुझे देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लगा रखा था हेयर बैंड अपना, बाल सेट करने को। यस, बाल सेट हो रहे हैं और ना ही कुछ। और आपको बताइए क्या ही जिंदगी सेट हो रही है। जिंदगी तो बिल्कुल ही नहीं सेट हो रही है, अभी बहुत सेट करने की कोशिश में। तो ट्रिपर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बहुत ही घायल इंसान हूं, मेरे से एक चोट लग चुकी है, देखिए निकला था सुबह सुबह दोबारा। तो मैं चोटें खाता रहता हूं, कोई बात नहीं, इट इज पार्ट ऑफ माय ट्रिप्स। तो जब तक ट्रिप में चोट नहीं लगती तब तक मेरी ट्रिप पूरी नहीं होती है। तो इस बार मेरी ट्रिप में लग चुकी है। अभी हम जा रहे हैं कैची धाम आश्रम दोबारा से और आपको कराते हैं मॉर्निंग आरती के दर्शन। मतलब आरती के दर्शन तो ऑब्वियसली नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है अंदर कैमरा नहीं चलाना, पर बाहर से कोशिश करेंगे आपको कुछ दिखा पाएं जितना दिखा सकते हैं और आप लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिल पाए। टिल देन ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है भाई, सबको जरूरत है, हमें सब जरूरत है। लेट्स गो एंड आंसू भी आ गए। ट्रिपर्स को रास्ता दिखा दो आगे का पीछे का। मार्केट विच इज नियर दी कैची धाम आश्रम, वो देखिए सामने बिल्कुल नजदीक से आप कैची धाम आश्रम। वहाँ भीड़ आज सुबह है तो बहुत ज्यादा ही लगी हुई है भीड़। और आई थिंक आरती के टाइम भी होने वाला है, लेकिन सुबह के टाइम वाकई बहुत सुकून है इस जगह पे। और अभी ट्रैफिक जाम हो गया है, मतलब स्कूटी से आए हैं तो हम बच चुके हैं, नहीं तो हमारा कल्याण हो जाता है यहाँ ट्रैफिक। और यहीं हम चला ले जाना भाई, और रुको तुम्हारी टैक्स लगा, लिए बंद भी है दुकान, इसके आगे स्कूटी पार्क हो जाती है।
ट्रिपर्स देखिए गलत पार्किंग करेंगे आप तो लोग गाड़ी आपकी ब्लॉक कर देते हैं एकदम। और ये रहा कैची धाम मंदिर की एंट्री, अभी हम यहीं से जाके अंदर, आप तब तक मार्केट के मज़े लीजिए, साइड में प्रसादम की जगह है काफ़ी जगह से लेने की, स्वीट्स वगैरह से इधर देखिए, तेल वगैरह फूल वगैरह ले सकते हैं आप, भोजनालय है कहाँ भेदी अंकल जी और अंकल जी ने हमें आगे भेज दिया धोखा दे के कि आगे पार्क करो पैसा दो पार्किंग का, क्या ही करें जीवन क्या ही है देखिए, पेट पार्किंग भेज दिया इन्होंने और क्या कहते हैं बहुत सारे पकौड़ी चाय कॉफ़ी भी है भाई जहाँ भी जाते हैं डेली NCR नोएडा कहीं भी हो हमें पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, इतनी नहीं भाई पार्किंग की दिक्कत है वो बेचारे देख पा रहे होंगे सामने भीड़ जहाँ पे खड़ी है मंदिर के बिल्कुल सामने वहीं होती है आरती उस एरिया में, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोग खड़े हैं वहीं होती है आरती, अंदर तो कैमरा चलाना अलाउड नहीं होता बट हाँ हेयर इज वेयर आरती हैपेंस इन दिस मंदिर। और ये है बाहर का रास्ता जैसे कि आपको कल भी दिखाया था हमने, और ये खड़ा आपका ट्रिपर तो ये रही मार्केट और Let's go in। कल आपने करे थे इवनिंग में दर्शन और कल कुछ थोड़ा खाली था पर अभी हो गई है सुबह और सुबह के बज रहे हैं अराउंड 7:30 और आप क्राउड देख रहे होंगे रात से ज़्यादा है, अंदर आरती शुरू हो गई है अभी हमें जाना है आरती करने, इधर वही नदी का फ्लो जैसा कि मणिकरण में भी आपने देखा था बट वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लो होता है इधर नहीं है। और ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा और क्या सुंदर मंदिर। तो ट्रिपर्स हमारे संभव ब्रदर को लग चुकी है समय चोट, दिखाइयो चोट दिखा हल्की बुल्की है ज़्यादा ट्रिपर भाई का पैर जो है वो फिर गया है लोहे की बेंच से क्योंकि इतनी भीड़ है इसलिए बैग नहीं रखा अभी फिलहाल हम इसके लिए फर्स्ट एड को कुछ इंतजाम कर रहे हैं, पहले बोला था चोटें लग जाती हैं उसके लिए जरूरी नहीं होती, हाँ तो चोटें लग चुकी हैं हाथ पे भी लग चुकी है जस्ट अभी आधे घंटे के अंदर तो अभी वो नहीं है अभी देखते कुछ फर्स्ट एड का इंतजाम कर। तो ट्रिपर्स अभी हम बाबा जी के दर्शन करके आ चुके हैं, ये है अपना ट्रिपर ब्रदर संभव जो कि प्रसाद में हमको चने मिलते हैं बहुत प्यारे चने होते हैं ये और हाँ प्रसाद वाले चने होते हैं जिनको आप भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक आप इनका सेवन करें और बहुत अच्छा रहता है सब कुछ। फिलहाल अभी हमने दर्शन कर लिए बहुत अच्छे और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे सुबह का माहौल, हल्की हल्की धूप निकली है, बाबा जी के दर्शन बहुत प्यारे हुए, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, हाँ बहुत अच्छे से हुआ है। और इसके लास्ट वाली क्लिप में जैसा आपने देखा होगा कि संभव के चोट लग गई है घुटने में तो हमने मंदिर परिसर में फर्स्ट एड ले लिया, उन्होंने फर्स्ट एड दे दिया हमको तो अभी बैंडेज वगैरह लगा लिए, होपफुली ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे बेटा कैमरा में दिखाता नहीं, मुझे लगता नहीं मैं पैसे दिखाऊंगा, हाँ ये देखो आप ऐसे देख लो ऐसे ही देख लो तो इधर आ जाओ ऐसे करके, तो फिलहाल चोट जल्दी सही हो जाए, दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए, हमारे बीच आप देख रहे होगे कितना अच्छा एक ये लुक आ रहा है। अभी हमने जैसा मैंने आपको सुबह दिखाया था कि आज हमको रूम भी चेकआउट करना है तो अभी हम जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे रूम चेकआउट करेंगे उसके बाद बताते हैं आपको कि हम अगला स्टॉप कहाँ लेंगे। ये फिलहाल ये दिखा रहा हूँ सामने की तरफ आ रहा हूँ आंटी जी चाय पकौड़े मिल जाएंगे आलू प्याज कर दो भैया दो प्लेट अच्छा एक आलू पर प्लेट हाँ ये दोनों अलग अलग कर देना ना और चाय दो कर दो आलू प्याज वाली कर दो तुझे भी करानी क्या
मंगौड़ी अच्छी लगती है भैया। आलू प्याज ही कर दो, हाफ हाफ आलू प्याज कर दो भैया। एक मंगौड़ी का वो गोला डाल देना बस स्वाद के लिए। फिलहाल अपडेट मंदिर के सामने ही आंटी की चाय पकौड़ी की शॉप है, वहाँ पे आ चुके हैं। जलजीरा वगैरह भी है, जलजीरा वगैरह भी है बने भैया के पास। एंड बैठने की भी अच्छी अच्छी जगह है, एंड सेल्फ सर्विस भी है। बात बस इतनी, हमारे सामने पेड पार्किंग भी है। बात इतनी आ रही है कि यहाँ से जैसे हमारे पास तो हमारा एक व्हीकल है, रेंटेड स्कूटी हमारे पास, लोग अपनी गाड़ी वेड़े लेके आते हैं, बट यहाँ पे पार्किंग का वाकई इशू है। या तो आप सामने पेड पार्किंग में करो, बट अगर हाँ दो पेड पार्किंग से, बट अगर आपको थोड़ा हमारे भाई 400 बता दे पार्किंग का, जो कार पार्किंग है वो 20 रुपये का एक सौ, हाँ सामने लिखा है दिख रहा है कि कार पार्किंग 120 की है, बाइक पार्किंग 40 रुपीज की है। बट अगर आपको ये है कि भाई आप थोड़ी देर के लिए आए हो या फटाफट करने आए हो, कोई मतलब नहीं होगा। हमने बहुत अच्छे से साइड में अपनी स्कूटी लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, जैसे हमने भी पूछ के ही पार्किंग पे लगाई है। अब बात ये फंसती है कि जो अपने व्हीकल से नहीं है तो उनके लिए बसेस वगैरह का इंतज़ाम रहता है, बसेस, हाँ बसेस या प्राइवेट टैक्सीज यहाँ पे बहुत चलता है। जैसे ये जा रही है पेरी नंबर पे, अगर आप 3 से 4 लोग हो तो आप आराम से स्विफ्ट डिज़ायर में आ सकते हो, 600-800 रुपये में, नैनीताल या कोई भी एक कनेक्टेड जगह पे आप आराम से जा सकते हो। फिलहाल अभी हम अपनी पकौड़ी का वेट कर रहे हैं, भैया हमारी यही है, भैया ने हमारी पकौड़ी लगा दी। आलू प्याज भैया जैसे जो बस वगैरह से आते हैं, लोकल उससे ट्रांसपोर्ट से आते हैं, उनका क्या सिस्टम है, कहाँ से मिलती है बस? काट गोदाम यहाँ से 110 रुपये। अभी ये वाली रोड सीधी कहाँ जाती है? ये मूंग दाल के है ना गोल वाले, एक एक रख दो बस, कि थोड़ा टेस्ट आ जाए। बन मस्का वगैरह भी रखते हैं भैया? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चाय आप बढ़िया अदरक वाली करवा दो आप। चलो बैठ जाते हैं, तो बैठा भाई आप गंदी कैसे लाए आपने? ये आ चुकी है हम दोनों की पकौड़ी की प्लेट, दो चटनी, बढ़िया। भाई दर्शन वगैरह कर लिया आपने? कहाँ से आए आप? हम मेरठ से हैं भैया। मेरठ से बस वगैरह से? नहीं ट्रेन से हैं भैया। अच्छा, लौटेंगे फिर कैसे? लौटेंगे ट्रेन से, मिल जाएगी तुरंत काट गोदाम से ना? दिल्ली वाली, हाँ दिल्ली वाली मेरठ होते ही जाएगी। जैसे भाई भी अपना ट्रेन से आए हैं, सो वो भी ट्रेन से ही लौटेंगे। हाँ नीम करौली पहली बार आए हैं, नीम करौली बाबा। आप आ चुके पहले भी? नहीं भैया, नैनीताल तो आता रहता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पहली बार। यहाँ नहीं है, यहाँ एकदम से कुछ सालों में एकदम से बहुत अवेयरनेस बढ़ी है। पकौड़ी बढ़िया, पकौड़ी बढ़िया, पकौड़ी खा लीजिए, पकौड़ी खाओ खुद जान जाओ, या थोड़ा हम बताते हैं तो तब जान जाओ। हेलो ट्रिपर्स, हाँ भैया क्या हिसाब है? भैया हिसाब कुछ ऐसा हो रहा है कि रूम से चेकआउट कर दिया गाइस, जो रूम मैंने आपको सुबह दिखाया था, आपको बताया था कि हम जा रहे कैची दाम पे। नहीं भाई, एक दो व्लॉग निकल गए अब, बोलो दो व्लॉग पहले जो दिखाया था।
जब तुम सो रहे थे तो आज सुबह मैंने दिखा दिया था अपने फैमिली को, छोटा वाला दोबारा, हाँ जो डाउनग्रेड हमारा किया गया था, तो मैंने दिखा दिया था बाद में। फिर मैंने बताया था कि केची धाम के दर्शन वगैरह बहुत अच्छे हुए बाबा की दया से। अब फिलहाल हमने फाइनली चेकआउट कर दिया है, हमारे सामने वो जो बाबा की रसोई है उनके ओनर खड़े हैं, उनसे फाइनल सेटलमेंट भी होने चल अभी चल रहे हैं। ये रहे हमारे भैया बाबा की रसोई के, ये यहाँ पे भैया मैनेज करते हैं, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे आगे के सफर पे। कहाँ जाएंगे आगे के सफर में? नैनीताल सोच रहे हैं और एक जगह और भी सोच रहे हैं। तो दोनों में से नहीं, नैनीताल नहीं, तो दोनों में से जो जगह फाइनल होगी फाइनली हम वहीं जाएंगे। मुक्तेश्वर फाइनल है। जैसे कि चुका समझ में आपको बता दिया कि मुक्तेश्वर फाइनल है, तो वहीं जाएंगे। सारा सामान हमारा पैक हो चुका है। ये यहाँ पे डाइनिंग स्पेस दिखाई दी तूने? ये आपके ट्रिपर बदन ने अपना नाम ये रख लिया है, बहुत चटोरा हो रहा है, ब्रांड दुबका हुआ है, ब्रांड इंटीग्रेशन थोड़ी है। दोनों हमारे बैग्स पैक है, स्कूटी हमारी पार्क है, स्वामी बस भैया से अलविदा लेनी है और चलेंगे फिर यहाँ से। उधर स्कूटी पार्क कर दी थी बाहर की तरफ, यहाँ से हमें निकलना है। हम बता देंगे कि अगर किसी को यहाँ पे आना है तो भैया का नंबर वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, भैया का कैसे इन्हें कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। भैया कोई कार्ड वार्ड है आपका? कोई नहीं भैया का नंबर, अपना नंबर ऐसे ही बोल दो, नाम और नंबर बोल दो ऐसे ही। नाम बोलो, नाम अजय मेरा, बाबा की रसोई, बाबा की रसोई 9690090320। ये कैची धाम से 3 किलोमीटर पहले भैया के बाबा की रसोई पड़ती है। बहुत बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे इनका, भीड़ से हट के एकदम बिल्कुल पहाड़ों के बीच, मस्त सिस्टम। अभी लेते हैं भैया से अलविदा, हो गया सेटलमेंट और चलते हैं आगे की ओर। नंदवती से होते हुए आप इकबाल निकल जाएं, बहुत सुकून है, तब भी बढ़िया है। भाई लेकिन नकुचीताल भी बढ़िया जगह है, शांतिपुरी एकदम बढ़िया, एक नंबर बन जगह है। बैठ के सुकून ले सकते हैं, शांति से कोने में बैठ के। नैनीताल अवॉइड करते हुए जाने वाले हैं अपना मुक्तेश्वर, क्योंकि नैनीताल ऑलरेडी हमने घूम रखा है। आप लोगों के दिन को आएंगे जिस दिन अपने को बनेगा कि हाँ चलता है नैनीताल, नैना देवी मंदिर कवर करेंगे और आपको उसका ही ब्लॉग बनाएंगे। अभी फिलहाल लेट्स गो टू आवर डेस्टिनेशन दैट इज मुक्तेश्वर विद आवर ट्रिपर ब्रदर्स एंड लेट्स गो। क्या कह रहे हो? 320 ग्राम है, 150 रुपए का। 320 ग्राम से कम नहीं आता, डिब्बा बना रहे ना। यहाँ जब आप जाएंगे डिब्बा बना रखा आपने, जब तक भाई कर रहा मांडवली आप देखो, सामने देख पा रहे होंगे आप, अभी हम यहीं जाएंगे। नीचे बह रही है नदी, सामने है मंदिर, बस 2 मिनट दीजिए हम प्रसाद ले लें चढ़ाने के लिए, उसके बाद हम जाते हैं अंदर मंदिर और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। क्या हो गया? एक मिनट हो गए, 250 में दोगे? क्या हो गया? मैंने 200 ग्राम के दो बना, नहीं बना रहे 250 ग्राम के बना रहे, दो बना लेते हैं 250 ग्राम के दो बना तो भैया हो गया, और 4 और ही तो डल जाएंगे। क्या हो गया इसमें? फाइनली बाबा ने हमें बुला ही लिया, टाइम से हम पहुंच गए हैं और प्रसाद भी ले लिया है। बहुत मांडवाली करनी पड़ी। हाँ अभी अभी 6:20 का टाइम हो रहा है, अभी हमारे पीछे मंदिर का एंट्रेंस, आपको एंट्रेंस दिखाते हैं और फिर चलते हैं मंदिर। ट्रिपस ऐसी है हमारी कुछ मंदिर की एंट्री, डाले यहाँ पे, साफ सफाई मेंटेन रखी, साफ सफाई अच्छे से मेंटेन करी गई है। ये हमारा नीम करौली बाबा जी का आश्रम, सुंदर व्यू है,
बहुत ही सुंदर व्यू है दोनों साइड से। आपको अगर मैं व्यू दिखाऊं, मंदिर बना हुआ है इसके तरफ, लेफ्ट में आ गया मंदिर। नहीं है तो ट्रिपर्स, अभी आपके दोनों ब्रदर्स चल रहे हैं मंदिर की तरफ और चलते हैं। जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि फ़ोन वगैरह आपको बंद रखने हैं, तो हम भी आपको प्रॉपर अंदर का ब्लॉग इतना नहीं दिखा पाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे जितना आपको दिखा सकते हैं बेस्ट वो आपको दिखाएंगे। परिसर में व्यर्थ वार्तालाप न करें, स्मरण में मन लगाए, जैसा लिखा है कि फूलों को ना तोड़ें एंड मंदिर परिसर में फोन ना यूज करें और अपने शूज यहाँ उतारें, तो हम जा रहे हैं अभी दोनों ट्रिपर ब्रदर्स अपने शूज उतारने और उसके बाद अंदर जाते हैं। हम मंदिर की किसी भी इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन नहीं करेंगे, बट अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छे से अच्छा व्यू दिखा सकें। ट्रिप में फिलहाल अभी हम ढूंढ रहे हैं हैंड वॉश करने की जगह, क्योंकि हमने जूते उतारे तो हम देख रहे हैं कि हम हाथ कहाँ धो सकते हैं और ये हमें जगह दो लोग हाथ ये हमें जगह मिल गई जहाँ पर हम हैंड वॉश कर सकते हैं। चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। तो ट्रिपर्स, जस्ट अभी हम दर्शन करके निकले हैं नीम करौली बाबा जी के और हमारे सामने आरती हुई थी एंड आरती होते ही थोड़ी देर में बाद ये मंदिर के पट बंद हो गए, कुछ अराउंड 6:20-6:25 पे आरती शुरू होती है। उसके बाद आरती मतलब जैसे जैसे आरती आगे बढ़ती है उसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, आई गेस 7:45 या 7:00 बजे सात अभी बजे हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हो कि मंदिर के पट बंद हो चुके हैं। सो यही टाइम है मंदिर के पट बंद होने का और अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे 7:20 के अराउंड 7:00 बजे पट खुलते हैं और 7:20 के अराउंड आरती होती है। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कल सुबह भी यहाँ एक बार बाबा जी के दर्शन करें, आपको जरूर दिखाएँ। और हमारे हाथ में प्रसाद है, प्रसाद का मतलब ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि प्रसाद चढ़ेगा, आपकी अपनी श्रद्धा है, प्रसाद ले लो बाबा जी के या बजरंग बली जी के, आप उनके मत्था टेके, कोई इतना आशीर्वाद ले लो, कोई हमें इतना रश नहीं मिला, कोई फालतू की ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, शायद काफ़ी भीड़ हो रही है लेकिन हमें काफ़ी भीड़ हो रही है और आई थिंक इन्होंने थोड़ी देर के लिए पट खोल दिए हैं क्योंकि आज बहुत भीड़ हो गई, आरती हो चुकी और भीड़ बहुत हो गई थी। बाकी आप सामने के जो नज़ारे देख सकते हो वो, और ये भीड़ वापस अंदर जा रही है थोड़ी देर के लिए बाबा जी के दर्शन करने के लिए। कपाट बंद हो गए, हाँ बोल रहे थे अंदर के दरवाजे बंद हो गए, हाँ अंदर के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन फिर भी श्रद्धा है, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं तो उनकी श्रद्धा होती है। हाँ, यहाँ पे टाइमिंग्स प्रॉपर बता रखी हैं कि ये मंदिर कितने खुलता है विंटर्स में और समर्स में। विंटर्स में 7:00 से 6:00 बजे तक खुलता है सुबह शाम से, और अप्रैल से अक्टूबर 6:00 बजे से सुबह मॉर्निंग शाम से 7:00 बजे तक, बहुत बढ़िया है। विंटर में आएगा 7 AM to 6 PM। जय श्री राम।